अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एज 24 न्यूज। मैं हुरिता, आइए डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट हट्टा मोहम्मद शफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत की तरफ से कोरोना वैक्सीन के लिए भर्ती किए गए डॉक्टर, नर्सिस और दीगर स्टाफ की कामचोर हड़ताल। सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन के लिए बड़ी तादाद में अमला भर्ती किया था जिसमें डॉक्टर, नर्स स्टाफ और दीगर अमला शामिल था, मगर उनको सही तरीके से सहूलियात मुहैया नहीं की गई और ना अभी तक कंफर्म किया गया, जिसकी वजह से तमाम स्टाफ ने मगली में कायम कोरोना सेंटर में काम छोड़ हड़ताल की। मुजाहिरीन डॉक्टर सिकंदर जोखियो, डॉक्टर अयूब सोमरू, डॉक्टर मोहम्मद अली मेमन, डॉक्टर साहिरा आखिरी, डॉक्टर हिना जाखरो, डॉक्टर फोजिया मंकिया, स्टाफ नर्स तौकीर अब्बास भट्टी, सदाम समूह, महरून निसा खासकेली और दीगर ने कहा कि हम अपनी और अपनी फैमिली की जान खतरे में डालकर लोगों को वैक्सीन कर रहे हैं। महकमा सेहत हमारी नौकरियों को गैर महफूज बना रही है। उन्होंने मुतालबा किया, हमें महकमा सेहत में पक्का किया।